नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आज आपके लिए करंट अफेयर के कुछ न्यू टॉपिक्स फिर से लेके आया हूँ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्रमांक है, इनमें से किस एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने भारत को $1 अरब लगभग 75 करोड़ राहत पैकेज देने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा ऑप्शन आपका विश्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन और आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो पहले इस प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। विश्व बैंक ने कोरोना संकट के बीच भारत को एक बड़ी राहत दी है। विश्व बैंक ने सरकार के कार्यक्रमों के लिए $1 बिलियन लगभग 7500 करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की है। यह सामाजिक सुरक्षा पैकेज है। इससे पहले कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक मीन्स NDB ने भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि देने की घोषणा की थी। तो आपका जो इसका जवाब होगा वो जवाब होगा आपका विश्व बैंक, जो कि शुरुआत में ही दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे बी नंबर, जो कि है विश्व बैंक ने। उसके बाद आज का हमारा दूसरा प्रश्न जो इस प्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका 12 मई, दूसरा आपका 14 मई, तीसरा 15 और फोर्थ ऑप्शन आपका जो है वो 17 मई। क्वेश्चन का विश्लेषण कर लेते हैं। हमारे जीवन कुछ सबसे निर्णात्मक वर्ष हम अपने परिवारों के साथ बड़े होते हुए बिताते हैं। परिवार समाज की नींव है, इसके बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। 1994 से हम हर वर्ष 15 मई को द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष ये खास दिन और ज़्यादा खास हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताने और संबंधों को और मजबूत करने के लिए भरपूर समय मिला है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1994 से एवरी ईयर 15 को मीन्स 15 तारीख को हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा सी नंबर, 15 मई। इसके बाद आज का तीसरा प्रश्न जो इस प्रकार है, प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी, वो कितने लाख करोड़ का है सवाल में ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है आपका 15 लाख करोड़, दूसरा 18 लाख करोड़, तीसरा 20 और चौथा ऑप्शन है 22 लाख करोड़। पहले प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। देश के नाम संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें सभी बल पर जोर दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि 20 लाख करोड़, तो इसका जवाब जो होगा वो होगा सी नंबर, मीन्स 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की, आर्थिक पैकेज जो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इसके बाद आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है वो ये है, सबका बैंक सबके द्वार की योजना किसने शुरू की। पहला ऑप्शन है आपका भारतीय स्टेट बैंक मीन्स SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड एक्सिस बैंक, तीसरा PNB पंजाब नेशनल बैंक है और चौथा है भारतीय डाक विभाग। तो इसका विश्लेषण कर लेते हैं। आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही डाक विभाग की सबका बैंक सबके द्वार योजना इनेबल पेमेंट सर्विस के माध्यम से पैसे का भुगतान होने से लॉकडाउन के बीच बैंक की लंबी कतारों से लोगों को हिफाजत भी हो रही है। तो जो इसका जवाब होगा वो होगा भारतीय डाक विभाग, जो हमारा फोर्थ नंबर में से डी नंबर का ऑप्शन था। तो सबका बैंक सबके द्वार योजना डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, वो इस प्रकार है, इनमें से किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने होप पोर्टल लॉन्च किया, HOPE। पहला ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है आपका राजस्थान। विश्लेषण करेंगे क्वेश्चन का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह उन्हें अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास के अवसर भी प्रदान करेगा। पोर्टल होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, जिसका फुल फॉर्म है, पहले से ही राज्य में रहने वाले युवाओं के साथ साथ
बाहर से लौटे प्रवासी युवाओं पर भी डाटा एकत्र करना शुरू कर चुके हैं। तो आपने ऊपर देख लिया, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो कि करंट वर्ष श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा सॉरी उत्तराखंड, आपका जवाब होगा उत्तराखंड जो कि सी नंबर का जवाब है। उसके बाद आज का हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन होगा प्रश्न क्रमांक 6, जो इस तरह से है, इनमें से किस कंपनी ने फैमिली सेफ्टी प्रीव्यू ऐप लॉन्च किया है। आपका पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा गूगल, तीसरा यूट्यूब और फोर्थ ऑप्शन आपका फेसबुक। तो इसका विश्लेषण करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो माता पिता को बेहतर नियंत्रण प्रदान करने में मदद करने के लिए अपने बच्चों की गतिविधि पर नज़र रखने में मदद करेगा। ऐप को फैमिली सेफ्टी कहा जाता है और इसे पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था और अब कंपनी ने iOS और एंड्रॉयड ऐप के सीमित रिव्यू को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। यह बच्चे की ऑनलाइन गतिविधि के बारे में परिवार को संचालित स्थापित करने में मदद करता है। तो पहले ही ऊपर जवाब है आपका माइक्रोसॉफ्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो हमारे इस प्रश्न का जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने फैमिली सेफ्टी प्रीव्यू ऐप लॉन्च किया है। ये हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी हैं इनके नोट्स जरूर बनाते रहें और प्रॉपर तरीके से हमारे वीडियो को फॉलो करते रहें। आपका अगला प्रश्न क्रमांक 7 है, जो इस प्रकार है, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2021 में आयोजन किस देश में होगा। मीन्स किस देश में 2021 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन पहला आपका भारत, दूसरा स्पेन, तीसरा अमेरिका और फोर्थ ऑप्शन आपका ब्राजील। तो विश्लेषण कर लेते हैं। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत में होगा। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 फरवरी और 7 मार्च 2020 को पुनः निर्धारित किया गया है। बता दें आपको कि टूर्नामेंट को शुरू में 2020 में 2 से 21 नवंबर तक भारत में आयोजित किया जाना था और बाद में महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप के लिए नई तारीखों की घोषणा भी की गई है। यह पनामा और कोस्टा रिका में 20 जनवरी और 26 फरवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। मीन्स पहले भी भारत में ही होना था लेकिन कोविड-19 के चलते महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया, लेकिन फिर से 2021 में भारत में ही आयोजित होगा। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा भारत, जो कि हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2021 में भारत में आयोजित किया जाएगा। आज के हमारे सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर भी करें और बालाजी स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।